फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जो बनाने वाली हूँ वो है ड्रम स्टिक विथ मस्टर्ड। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, ये चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। मैं यहाँ पे ड्रम स्टिक्स को उसके छिलके उतार के यहाँ पे रख दिया है, और थोड़ी सी आलू भी लिए है साथ में। और हमें जो मसाला चाहिए वो है, थोड़ी सी मैंने प्याज यहाँ पे काट के रख दिया है, 10 से 12 कली लहसुन यहाँ पे लिया है, थोड़ी सी अदरक लिया है, दो छोटा छोटा टमाटर यहाँ पे ले रही हूँ, और यहाँ पे मस्टर्ड ज़्यादा चाहिए। सरसों के दाने हमें सरसों से ही बनाएंगे, तो ये सरसों ज़्यादा चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा एक कटोरी से थोड़ा सा कम होने भी चलेगा। थोड़ा सा जीरा चाहिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से ही हम नमक लेंगे, और थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी, यही चीज़। और मैं यहाँ पे 2 से 3 ग्लास पानी भी ली हूँ बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर रही हूँ, गैस को ऑन करके यहाँ पे पैन को बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे पहले 2 ग्लास पानी के साथ ड्रमस्टिक को आलू को थोड़ा सा उबालने के लिए बिठा देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास तक पानी लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको करी में भी चाहिए, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ पे डाल देंगे। और इसके साथ हम ड्रमस्टिक और आलू को भी साथ में डाल देंगे। एक बार उसे ऐसे चला देना चाहिए, और उसके बाद उसकी पानी थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए तो हम ये ढक्कन लगा देंगे। ये तब तक उबल जाएगा, तब तक हम चलिए हमारा सारे मसाले यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए मसाले के लिए हम पहले ब्लेंडिंग जार ले लेंगे, जार के अंदर हम सारे सरसों के दाने यहाँ पे डाल देंगे। सरसों के दाने डाल देंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, और सारे लहसुन भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और सारे प्याज भी डाल रही हूँ। हमारा ड्रमस्टिक जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए हम उबालने के लिए उसे छोड़ दिया है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे उसे। और ये सारे मसाले के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप मसाले के साथ ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लाल मिर्च यूज कर रही हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं उसे ऐसे ही एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने वाली हूँ, तो ब्लेंडिंग में सारे मसाले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी देना चाहिए उसे, जितना ज़रूरत है उतना मसाले के हिसाब से ही पानी देना चाहिए, तो मैं उतना ही पानी ले रही हूँ। तो इसको मैं अभी ब्लेंड करने वाली हूँ, ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा ये मसाले सारे कितनी अच्छी तरह से पीस चुका है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है सारे मसाले का। इसे हम एक बाउल में, एक बर्तन में अब निकाल देंगे। सरसों के दाने जितना जितना स्मूथ बनेगा करी भी उतना ही टेस्ट लगेगा, तो कोशिश करिएगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पर सारे मसाला हमारा हो चुका है, मैं यहाँ पे एक बर्तन में इसको निकाल दी हूँ। चलिए देख लेते हैं अब ड्रमस्टिक हमारा कितना बना है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, 5 मिनट अब हो चुका है। इसके लीड उठा के, ढक्कन उठा के हम देख लेते हैं। देखिए पानी में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है, और ड्रमस्टिक और आलू दोनों भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तो ये नहीं पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसे और 5 से 10 मिनट तक हम उबालेंगे अच्छे से, उसके बाद निकाल लेंगे। नहीं हुआ है अब फिर से ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। हमारा देखिए यहाँ पे हमारा 10 मिनट अब हो चुका है, तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं उसे। देखिए थोड़ा बहुत पक चुका है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे, क्योंकि सब्जी में भी करी में भी मसाले के साथ थोड़ा सा
और पकेगा, तो इसीलिए जितना भी हुआ है उसमें ही निकाल देंगे। फिर पानी जो है, पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, पानी को हम सारे ड्रमस्टिक और आलू को प्लेट में निकाल देंगे और पानी सारे को हम रख देंगे। इसे हम करी में भी यूज कर सकते हैं, इसे हम बाहर नहीं फेंकेंगे। तो ये हम निकाल देंगे ड्रमस्टिक और आलू को। देखिए ये हमारा हो गया है, पूरी तरह से हमने निकाल दिया है। तो इसे हम रख देंगे और पानी सारे को एक बाउल में, एक बर्तन में निकाल के रख देंगे। अब वापस मैंने वही पैन को ही वहाँ पे चढ़ा दिया है करने के लिए, करी बिठाने के लिए। देखिए फैन हमारा गर्म हो रहा है, तो इसमें हम हमारा तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया हूँ, तो 2 टेबल स्पून ऑयल ही यहाँ पे मैं डाल दूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। देखिए अच्छे से पक हो रहा है, कितने अच्छे से पक हो रहा है। और यहाँ मैं पहले ही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च के पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर साथ में ही डाल लेंगे। ये सब एक साथ डालने से हमारा करी का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे 1 मिनट के लिए हम इसे चला देंगे। जो पानी रखा हुआ था वो भी डालेंगे थोड़ा सा, वरना लाल मिर्च जो है वो जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सारे मसाले को एक साथ उसको चला लेंगे। ये करने से पहले मसाले सारे डालने से कोई सी कलर भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए सारे मसाले को फ्राई कर देंगे। ये हो गया है, और जो मसाला हमने पीस के रखा था सरसों के, वो सारे यहाँ पे डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं सरसों को भूनना है, ज़्यादा भूनने से इसको टेस्ट अलग हो जाते हैं। तो इसके इसे हम थोड़ा 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दीजिए मसाले के साथ। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, कोई 1 मिनट के लिए भूनना है। और मैं जो मसाला हमने ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड किया था, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, ताकि हमारा जो मसाला वो वेस्ट ना हो। तो इसीलिए मैं ब्लेंडिंग जार में ही थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी को यहाँ पे डाल रही हूँ। इसमें आप टमाटर भी सारे डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे एक साथ, और नमक में भी यहाँ पे ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार ही ऐड करेंगे, जितना आप क्वांटिटी लेंगे उसके हिसाब से ही ऐड करेंगे। हम पहले उबाल में ही जो उबालने के लिए डाले थे तो थोड़ा सा नमक डाले थे, तो अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे डाल रहे हैं। सारे मसाले को एक साथ मिला लेंगे। जो पानी हमने यहाँ पे रखा था बाउल में उबालने के पानी, वो यहाँ पे डाल देंगे। देखिए
ताकि थोड़ा सा हमारा अच्छे से फूट जाए, अच्छे से हो जाए। तो इसके उसके ऊपर हम जो हमारा उबाले हुए ड्रमस्टिक और आलू यहाँ पे भी डाल देंगे। वो अच्छे से हो रहा है। देखिए मसाला सारे यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें हम हमारा ड्रमस्टिक और आलू कोचका वो डाल देंगे। उसे अच्छे से मिला लेंगे। मुझे करी में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम पानी यूज़ कर रही हूँ। आपको ग्रेवी पसंद हो तो यहाँ पे आप ग्रेवी के साथ पानी डाल सकते हैं और ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। मुझे कम ग्रेवी चाहिए तो इसीलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। तो एक मिनट के लिए और चला लेंगे और उसे 5 से 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे पकने के लिए अच्छे से। वो मसाले के साथ थोड़ा ड्रमस्टिक और आलू दोनों अच्छे से पक जाए तो उसे सर्विंग बाउल में हम निकाल देंगे। ऐसे मिला लेंगे एक साथ और थोड़ा सा पानी दे देंगे। देखिए ये हमारा कितना बहुत ही अच्छा कलर आया है करी का। तो मसाले के साथ उसे ये बहुत ही खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे सबसे फेवरेट डिश है, तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये इसे आप घर में एक बार ज़रूर बनाना और टेस्ट करना। उसे गरम गरम राइस के साथ सर्व करना तो खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अब ये हो रहा है। अब इसे हम ढक्कन दे देंगे और ये थोड़ा सा अच्छे उबाल आ जाए करी के साथ, तो थोड़ा सा पक जाए तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कैसा बना है। देखिए मैं यहाँ पे ढक्कन दे रही हूँ, वो गैस को लो मीडियम कर रही हूँ। यहाँ पे मीडियम सिम में रख दीजिए, वो धीरे धीरे पक जाएगा मसाले के साथ। चलिए अब हम देख लेते हैं, हमारा 10 मिनट अब हो चुका है। एक बार ढक्कन उठा के देख लेते हैं कि सब्जी हमारे सारे पक गए कि नहीं। एक बार हम फोक से चेक कर सकते हैं आलू को। देखिए आलू यहाँ पे पूरी तरह से पक गया है। आलू यहाँ पे पूरी तरह से पक गया है तो सब्जी हमारा अब पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक बार इसे सब मिला लेंगे एक साथ, अभी चला लेंगे एक साथ सब्जियों के साथ। तो इसके उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे, सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अब हो रहा है, हो गया है पूरी तरह से। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे हम प्लेट में अब निकाल देते हैं। गैस को मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ और इसे सर्विंग बाउल पे निकाल रही हूँ। देखिए रेसिपी हमने बाउल पे निकाल दिया है। खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसे गर्मा गर्म राइस के साथ आप सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा पुदीने के पत्ते के साथ मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से हो चुका है। टेस्टी रेसिपी एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जा रही हूँ खाने के लिए। आप लोग इसे एक बार घर में ट्राई कीजिए और कैसा लगा मेरे कमेंट में टाइप कीजिए। थैंक यू।